दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनल आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए से। काफी लोगों के मन में सवाल चल रहे थे भाई कि आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर कौन से एप्लीकेशन से हम इंस्टेंट लोन ले सकते हैं जिसमें बिना इनकम प्रूफ के हमें लोन भी बड़े आसानी से मिल जाए। तो आज के वीडियो में दोस्तों बात करने वाले 5 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, सारे के सारे एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से काम करती है, सब कुछ जानने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला एप्लीकेशन निकल के आता है फेयर मनी, जो की एक आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पर मिलता है 1,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक का लोन, 100% डिजिटल प्रोसेस है। और दूसरी बात ये कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। तीसरी चीज ये कि आपको यहाँ पर EMI वाली सुविधा दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। साल का यहाँ पर 36% ब्याज के साथ एप्लीकेशन ये लोन सर्व आपको करती है। दोस्तों यहाँ पर एक NBFC के जरिए से ही लोन आपको यहाँ पर मिलता है, अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड, जो की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप इस एप्लीकेशन की तरफ जाते हो तो भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60,000 रुपए तक का मैक्सिमम लोन आपको देखने को मिल जाते हैं। जो एप्लीकेशन दोस्तों ये पहला नंबर पर निकल के आती है जिसमें कि आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही आप बड़े आसानी से लोन ले सकते हैं और उसे समय पर चुकता कर पाएंगे, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट में। तो दोस्तों इस तरह का एप्लीकेशन के ऊपर आपको लोन अप्लाई करना चाहिए जब भी आपको जरूरत पड़े। इस एप्लीकेशन के बारे में अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। लोन लेकर ही आपको दिखाया गया है। दोस्तों अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि यदि आप फेयर मनी से लोन लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वो भी चीजें आप देखकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करें जो एक सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनकम का सोर्स एटलीस्ट दोस्तों होना चाहिए तभी लोन के लिए अप्लाई करेगा, अदरवाइज लोन अप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन निकल के आती है लोन फ्रंट, जो कि ये भी एक देखा जाए तो RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं वैभव व्यापार, जो कि इनकी NBFC कंपनी है, जिसके मदद से आपको लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर भी। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है, तो भाई आधार कार्ड पैन कार्ड से ऊपर लोन लेना ही चाहते हैं तो भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर इन एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 1,00,000 से 2,00,000 रुपए तक का भी लोन मिल सकता है, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बात बता दें आपको कि अगर आप यहाँ पर सैलरीड प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों कैटेगरी में लोन अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इनकम का सोर्स एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पर होना ही चाहिए, आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, स्टेबल इनकम का सोर्स होनी चाहिए। साल का 35% यहाँ पे ब्याज दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये भी एप्लीकेशन एक छोटा सा नहीं, कम से कम बड़ा आपको लोन 4,000-5,000 से स्टार्टअप करती है, जिससे आप ऑन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट में लोन की चुकता कर पाएंगे। तो आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर लोन लेना चाहते हो तो ये एप्लीकेशन के भी एक बार जरूर ट्राई आप कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह से लोन अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप दोस्तों वीडियो बनाई गई है, लोन लेकर आपको दिखाया गया, वो भी 1,800 वो भी 8,000 रुपए का, डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ प्रोफेशनल, दोनों कैटेगरी में लोन बड़े आसानी से ले पाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर तीसरे एप्लीकेशन की बात किया जाए तो ये है स्मार्ट कॉइन, जो कि आपको अप टू 1,00,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराता है, जो कि बिना इनकम प्रूफ के। सैलरी स्लिप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भाई आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही आप इस एप्लीकेशन से लोन ले पाएंगे, कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट आती है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है, तत्काल लोन की जरूरत है, तो आप इन एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर शुरुआती दौर में आपको 4,000 रुपए से ही स्टार्टअप करती है, ऐसा नहीं कि 1,000-2,000, यहाँ पर 4,000-5,000 से स्टार्टअप करती है, जिससे आप ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो लिमिट भी इंप्रूवमेंट होगी और सिविल में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को दोस्तों मिलेगा। ये भी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। अगर आपको भविष्य में कभी भी इन एप्लीकेशन से लोन मिलता है तो आपको समय पर चुकता जरूर करना, क्योंकि तीनों के एप्लीकेशन ये जो देखा जाए RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। सेक्शन लेटर भी आपको मिलता है, लोन एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिलता है, सिविल में भी रिपोर्ट दोस्तों करी जाती है। तो दोस्तों अगर इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बता देते हैं क्या होनी चाहिए।
यदि अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड प्रोफेशनल, दोनों कैटेगरी में घर बैठे बड़े आसानी से लोन ले सकते हैं। इन एप्लीकेशन से लोन लेने का मतलब यह है कि दोस्तों साल का 36% यहाँ पर दोस्तों ब्याज लगता है, ईएमआई वाली आपको सुविधा मिल जाती है, सारे प्रोसेस डिजिटली किए जाते हैं, कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली आप इन एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन बड़े आसानी से लोन ले सकते हैं। लगभग आप पूरे भारत में लोन देना शुरू शायद कर दी है ये ऐप। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके लैंडिंग पार्टनर जो है, कई तरह के इनके लैंडिंग पार्टनर आप खुद स्क्रीन के सामने देखने को मिल जाएंगे। स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन पार्ट भी आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा एप्लीकेशन निकल के आ रही है जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही लोन ले सकते हैं, वो भी बिना इनकम प्रूफ के तौर पर। इस एप्लीकेशन से भी लोन लेकर दोस्तों दिखाया गया, डिस्क्रिप्शन पार्ट आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप लोन लेकर आपको दिखाया गया कि किस तरह से लोन अप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं चौथा एप्लीकेशन की तरफ, देख लेते हैं कौन सी एप्लीकेशन है। दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है अब यहाँ पर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर आपको दो तरह का प्रोडक्ट फीचर देखने को मिलता है, पहला वो कि आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं, दूसरा वो प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसमें कि आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको प्रूफ के तौर पर दोस्तों देनी होती है। तो वहां अगर आप बैंक स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते तो आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है ट्रू बैलेंस के अंदर में, लेवल अप लोन के अंदर में, जो कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही दोस्तों आपको लोन यहाँ पर मिल जाते हैं। साल के यहाँ पर 30-45% तक ब्याज लग सकता है, इस बात को यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए। यहाँ भी आपको RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। और दूसरी चीज ये कि आपको यहाँ पर भी EMI वाली सुविधा दोस्तों मिलने वाली है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि लोन लेना या फिर नहीं लेना। देखो लोन अप्लाई करने से पहले अपने हिसाब से सोच समझ ले, इनकम का सोर्स होनी चाहिए, लोन अप्लाई करने से पहले देख ले, समझ ले भाई एक्चुअल में आपको कितनी की रिक्वायरमेंट है, लोन लेना सही है कि नहीं, लोन के समय पर चुकता कर पाएंगे या फिर नहीं, ये चीजें जानना और समझना आप ही को है। मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है कि एप्लीकेशन इस तरह से काम करती है तो वैसे काम करती है। लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में नहीं कहता हूं कि आप इस एप्लीकेशन से जाकर अभी कभी लोन अप्लाई कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मेरा नहीं है, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती है। सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन होते हैं, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, आपकी मदद से ही दोस्तों आपको यहाँ पर लोन मिलता है। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं फिर से, एक NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो भविष्य में अगर आप लोन को समय पर चुकता नहीं करते तो कॉल भी है दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। हरासमेंट भी दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें करी जाती है। एक रजिस्टर्ड कंपनी होने के साथ साथ आपके सिविल के ऊपर इफेक्ट कर सकती है जब आप इसे ऑन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन आप देख ले, समझ ले। जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में अब तक मैंने आपको बताया है सारे के सारे एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है दोस्तों। तो सोच समझ के ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रू बैलेंस की तरफ से आधार पैन के बेस पे लोन लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है, लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाया है किस तरह से बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लाइव लोन लेकर आपको दोस्तों दिखाया गया। चलिए बढ़ते हैं आखिरी लोन एप्लीकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आखिरी एप्लीकेशन निकल के आती है लोनी, ये भी बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। यहाँ पर भी आपको 20,000 रुपए तक का लोन देखने को मिल सकता है, यहाँ आपको EMI वाली भी सुविधा मिलती है। दूसरी चीज की एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन भी है। लो सिविल के ऊपर भी इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि लो सिविल के ऊपर भी आपको लोन यहाँ पर दोस्तों बड़े आसानी से मिल जाते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल मिलते हैं, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही दोस्तों लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। आप दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऊपर लोन लेना नहीं लेना। जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों मैंने अब तक बताया है सारे के सारे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड प्रोफेशनल, दोनों कैटेगरी में लोन ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा सारे के सारे एप्लीकेशन सिविल में रिपोर्ट करने वाली एप्लीकेशन है, समय पर चुकता नहीं करिएगा तो दोस्तों आप ही के ऊपर दिक्कत होने वाली है, कॉल पे कॉल करके आपको हरासमेंट भी किया जा सकता है। तो चीजें थोड़ा सोच समझ ले, लगभग सभी को इस बारे में पता है जब आप इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई करते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी होने के बावजूद भी कॉल कहीं ना कहीं करते हैं, हरासमेंट करते हैं, जब भी जरूरत पड़े देख ले कि हाँ समय पर लोन को चुकता कर पाए तभी आप आगे लोन के प्रोसेस किया करिए, अदरवाइज लोन लेने की कोशिश ही ना करें, दोस्त यार से काम चला लें। तो दोस्तों यहाँ पर भी आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही दोस्तों लोन मिलता है, 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन ही होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं भाई डेफिनेटली यहाँ पर लोन ले पाएंगे। साल का 36% ब्याज के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराती है। प्रोसेसिंग फी की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 18% GST के साथ यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं काम करती है, चार्ज करने में चीज़ें इस तरह से दोस्तों यहाँ पर लेती है। ध्यान रखिएगा लेट पेमेंट करेंगे तो 18% आपके प्रिंसिपल अमाउंट से जो भी आपका लोन होगा लोन अमाउंट के हिसाब से 18% चार्ज किया जा सकता है। तो
दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें देख ले, समझ ले, एनबीएफसी कंपनी यानी जितने सारे कंपनी के बारे में आपको बताया है, एक रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। दोस्तों अब तक मैंने जितने सारे एप्लीकेशन के बारे में बताया, सारे के सारे एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएंगे। हर एक एप्लीकेशन के बारे में पर्टिकुलर वीडियो दोस्तों बनाई गई है। उम्मीद करते दोस्तों वीडियो काफी पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।